और अब बड़ी खबर आपको बता दें, प्रवर्तन निदेशालय की जयपुर में बड़ी कार्रवाई, पीएमएलए कानून में ईडी की बड़ी कार्रवाई, जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार मामले में फिर एक ठेकेदार गिरफ्तार, श्री गणपति ट्यूबवेल के संचालक को गिरफ्तार किया गया है, महेश मित्तल है श्री गणपति ट्यूबवेल का संचालक, महेश मित्तल को गिरफ्तार किए जाने की सूचना सामने आ रही है। मित्तल की फर्म श्री गणपति ट्यूबवेल ने उठाया 367.56 करोड़ का भुगतान, जल जीवन मिशन योजना में मिले टेंडर्स के आधार पर यह भुगतान उठाया गया। ईडी इस मामले में ठेकेदार पदमचंद जैन और पुत्र पीयूष जैन को गिरफ्तार पहले ही कर चुकी है, दोनों ही पिता पुत्र इस समय जेल में हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, महेश मित्तल की फर्म श्री गणपति ट्यूबवेल ने 367.56 करोड़ का भुगतान उठाया था, कार्रवाई की जा रही है, जल जीवन मिशन योजना में मिले टेंडर्स के आधार पर यह भुगतान उठाया गया। एक और ठेकेदार जिसे ईडी ने गिरफ्तार किया है, इससे पहले ठेकेदार पदमचंद जैन और पुत्र पीयूष जैन को ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय की जयपुर में बड़ी कार्रवाई, इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पीएमएलए कानून में ईडी की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता राकेश धादीच। राकेश, क्या कुछ अपडेट इस पूरी खबर पर? पीएमएलए के तहत ईडी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, एक और ठेकेदार की गिरफ्तारी होने की बात सामने आ रही है। गया था जिसमें 18 जून तक ईडी की हिरासत में कई खुलासे किए थे पदमचंद जैन ने, और अभी फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जो उसका साला है महेश मित्तल, उसकी गिरफ्तारी की है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पा रही क्योंकि पूरे मामले को लेकर ईडी के जो अधिकारी है गोपनीयता बनाए हुए हैं। लगातार ईडी के जो अधिकारी इस जो जल जीवन मिशन घोटाला है उसको लेकर तमाम जो जांच है उसको बदस्तूर जारी रखे हुए हैं। कई बड़े नाम इसमें अब ईडी खुलासा करेंगी, क्योंकि 5 दिन की जो हिरासत ईडी की हिरासत थी उसमें पदमचंद जैन ने कई अहम खुलासे किए, आने वाले वक्त में कई गिरफ्तारियां देखने को मिलेगी। बहरहाल जो इसका साला है उसकी गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी ईडी के अधिकारी ने कोई भी जानकारी साझा नहीं की। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश इस तमाम जानकारी के लिए।